अविनाशी गुरु हित प्राण
रक्षण पुरोहित धरना। गुरुहित धर्म गुरुहित शक्त गुरु मुझे लागे भोले भंडारी। गुरुहित धर्म गुरुहित शक्त गुरु मुझे लागे भोले भंडारी। गुरु मेरी भक्ति गुरुहित शक्ति गुरु बिना मेरी ना हो के मुक्ति। गुरु मेरी भक्ति गुरुहित शक्ति गुरु बिना मेरी ना हो के मुक्ति। गुरुहित प्राण गुरु जीवन ज्योति गुरु मेरा रक्षण गुरुहित धैना। गुरुहित प्राण गुरु जीवन ज्योति गुरु मेरा रक्षण गुरुहित धैना। गुरु मेरी वाणी गुरु मेरी साक्षी गुरु बिना हो जाऊं मैं धूलि धूलि। गुरु मेरी वाणी गुरु मेरी साक्षी गुरु बिना हो जाऊं मैं धूलि धूलि। गुरु चरणन में ले हो जावे तभी जीवन नैया गुरु पार लगावे। गुरु चरणन में ले हो जावे तभी जीवन नैया गुरु पार लगावे। गुरु हित प्राण गुरु जीवन ज्योति गुरु मेरा रक्षण गुरु हित धैना। गुरु हित प्राण गुरु जीवन ज्योति गुरु मेरा रक्षण गुरु हित धैना। By our Shraddhya Mataji, Purnamoyi Mataji. It is a song of self-realization through power of Guru. करना
जो कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो, हृदय कमल में आप विराजो, कृपा दृष्टि से ब्रह्म स्वरूप दर्शा दो, आपने देखा आपको सारे जग में देखा, जग को समाया आपने देखा आपको सारे जग में देखा, पूर्ण परमात्मा आपको कण कण में देखा, कपूर गौरम करणाय अवतारम संसार सारम भुजेन्द्रहारम सदावशंतम मेदारविंदे भवनं भवानी शैतं नमामि तमेव माता सुपिता तमेव तमेव बन्धुश्च सखा तमेव तमेव विद्यार्थिनं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव ॐ पूर्णमदं पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायण हरि ॐ नारायण हरि ॐ शिव शिव
शिवयोम हर हर ओम शिव शिवयोम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा अंतर्यामी शिव शिव ओम हर हर ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम नारायण हरि ओम परमात्मा कृपा से आज मैं बर्धवान में पहुंचा तापस मित्र के घर में और यहां आके बहुत आनंद लगा। अध्ययन करते टाइम पहले बार ऐसे महसूस हुआ जो सात्विक अन्न सात्विक कर्म सात्विक विचार जहां होते हैं वहां अपना आप ही ध्यान एक जगह चिंतित हो जाती। जो निराहंकार होता है निर्लोप होता है जो हर अवस्था में संतुष्टि लाभ करते हैं तो वहां भगवान हमेशा विराज करते हैं। ठीक इसीलिए हम लोग का आज तपस पितर घर में आके अब ऐसी लगा जो सारा परिवार बड़े भक्ति और कर्म में डूबा हुआ है। जो मनुष्य जन्म में भगवान ने भेजा है यही भगवान बोलते हैं करति वाचरम मंगलम सर्वभूते हिते रथा। जो इस संसार में जो है सबका कल्याण के लिए कर्म करते हैं सबका प्रसन्न के लिए सबका शांति लिए कर्म करते हैं वही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। और भगवान का कृपा कैसे प्राप्त किया जाते यही बोला है मोकम करती बाचलम पंघु लंगेति गिरी यत की पाप का हम बंदी परमानंद माधव। भगवान बोल रहे मैं उसी को कृपा करता हूं जिसके ऊपर मेरा कृपा हो जाती है तो पंघु भी हिमालय को पार कर जाती है। जो चलने का क्षमता नहीं है चलने लगते और मूक अंकर्तिपाचरम पंघु लंगित के जो अज्ञानी है वो ज्ञान का बात बोलने लगते। तो भगवान का कृपा अब कृपा का अर्थ हम लोग का गुरु जी ने समझाया कर्म करके पाना कर्म करके। तो आप भगवान और हमारा बीच में ये संसार रखते यही भव सागर है कि संसार मध्य निमज्जित मैं जो संसार भव नदी में मैं डूबती जा रहा गुरु कृपालो कृपाय विद्वैतम एवं गुरु एकमात्र कृपा जिसमें ये भव सागर पार कर सकते हैं। वहां तो सागर में हम जब जाते हैं तो स्कूल से वो स्कूल दिखाई नहीं देते हा? लेकिन हम तब भी सिप लेके चलने लगते हैं और उसको दिशा देखने के लिए हम लोग एक मशीनी
यूज करते हैं, जिसको नॉर्थ साइड हमेशा दिखाई देते हैं। तो हमारा भी इसी प्रकार है, इस संसार में नॉर्थ साउथ और नॉर्थ, ये हमारा मुक्ति का द्वार है। हमारा देह में भी वही है, एक उत्तरायण मार्ग है, एक दक्षिण मार्ग है। उत्तरायण मार्ग में मुक्ति मिलता है, कष्ट दुख अशांति बंधन से सब प्रकार मुक्ति मिलता है, और दक्षिण में आसक्ति मोह अहंकार से इस संसार में वो बंधी जाती, वो भ्रमित हो जाते हैं, जो सच में ये संसार ही सब कुछ है और वही पकड़ के रखते हैं, अंतिम में उसको छोड़ के जाना पड़ते हैं। तो यही है, तो वही भव सागर को जो नॉर्थ दिशा में हमेशा अपना गुरु का निर्देश से उसको पकड़ के रखते हैं, जो हमारा जो सांस एक ऊपर जाते एक नीचे जाते, एक साउथ है एक नॉर्थ है, तो हमारा गुरु जी ने बता दिया जो नॉर्थ दिशा में तुम हमेशा लक्ष्य रखो, जो तुम्हारा लक्ष्य हमेशा नॉर्थ दिशा में होना चाहिए, तो भव सागर पार होते हुए भी तुम हमेशा वही नॉर्थ दिशा में अपने लक्ष्य को स्थिर रखो। जो साधन ब्रह्म विद्या भगवान ने बताया, तो प्रत्यक्ष घमंग धर्मम, क्या बोला, राज विद्या राज गृच्छम पवित्र मेम ममतम प्रत्यक्ष घमंग धर्मम शिशुकम कत्व पायो। वो सच्चाई में आपको ले जाएगा, जो आपको राज विद्या राज गुच्छम अति गोपनीय विद्या जो सदगुरु ने तुमको दिया है, और वो सिर्फ सदगुरु का पास ही है वो जुक्ति। हम शास्त्र पढ़ के हम सुन के देख के कुछ भी नहीं समझ पाते कि परमात्मा क्या चीज है, लेकिन भगवान हमेशा बोलते हैं मैं तुम्हारा हृदय में निवास कर रहा हूं, वो बाहर कहीं भी नहीं है, और अंदर तुम्हारा ज्ञान हो जाएगा परमात्मा का, तो सर्वम खिलित ब्रह्म सब जगह ईश्वर को दिखाई देते। जैसे प्रहलाद ने बोला था अपना पिता को, क्या बोला था, वही तेरा हरि कहाँ है, मैं तेरे को इतना बार मारने की कोशिश किया लेकिन मार नहीं पाया, इतना भरोसा लिया है तेरा हरि तो कहाँ है, बोले सर्वम खिलित ब्रह्म सब जगह ब्रह्म विराजमान है। तो हमारा अंदर जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक हम दुनिया में कहीं भी देखने जाए कहीं भी कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन जब अंदर ज्ञान हो जाते तो हर जगह मेरे को दिखाई देती। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी भी बोला है, देखो एक हंडी में चावल सीज रहे, अगर सीजा कि नहीं सीजा कैसे पता चलेगा तुमको, तो एक चावल को दबाक नहीं सी सारी हंडी का खबर पता चल जाती। इसी प्रकार तुम्हारा अंदर उस परमात्मा का अगर उपलब्धि कर लिया तो हर जगह तुमको परमात्मा ही दिखाई देगा, वही ज्ञान जो सारी ब्रह्मांड कम में ये जब सिद्ध हो जाती है तो सारी ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाती है, और वही वही है जो अविनाशी अनंत शक्ति अनंत ज्ञान अनंत आनंद का भंडार है। जहां कोई समाप्ति नहीं है, तो यही है जो परमात्मा आदि अंत रहित है। तो आदि अंत रहित हमको पूछा था, कोई जैसा वर्तमान साइंस का लड़का आदि अंत कैसे है, एक गोल बना दो, गोल बना के कहां से शुरू हुआ कहां शेष हुआ एक कोई नहीं बोल सकते, वो गोल में घूमते रहते गोल में घूमते रहते, लेकिन आदि अंत नहीं होता है। लेकिन जो बिंदु को जानते हैं जहां से गोल बनाया
तो बिंदु जब तुम्हें पहुंच जाते हैं तभी उसको ये गोल से मुक्ति मिल जाती है। तो वही बिंदु क्या है, जो एक गोल राउंड फिगर बनाने के लिए एक बिंदु चाहिए। तो हम लोग का वही बोलते हैं, ओंकार बिंदु संजितम नित्य धायंत जोगिनम काम दम अक्षदम चैव ओंकारे नमो नमः। इसका अर्थ क्या है, जैसे हे ओंकार रूपी परमात्मा, जो आपको बिंदु में सारी साधु संत सब देवता लोग स्थिर है, और वो लोग का जो भी मन कामना है इच्छा है अब तुरंत उसको पूर्ण करते हैं। और क्या है, मक्षतम छेबो, जो सब प्रकार मुक्ति प्रदान करके कैवल्य मुक्ति प्रदान करते हैं। कैवल्य मुक्ति किसको बोलते हैं, जिसको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाए। हमारा सबसे इस संसार में सबसे बड़ा व्याधि है जन्म और मृत्यु। ये जो 84,00,000 जनी है, कीट पतंग पेड़ पौधा कितना प्रकार जीव इस संसार में विराजमान है, उसको भगवान ने बना दिया क्या, कर्म का अनुसार उसको गति होता है। अब इस संसार में आए कर्म करने के लिए, अब ये कर्म भूमि है, भगवान भी यही बोल रहे, कर्मणा बाधिकारस्ते मा फलस्य कदाचन। मैं कर्म करने का अधिकार सबको दिया है लेकिन फल का नहीं, तुम जो भी कर्म करोगे उसका फल मैं ही दूंगा। तो हमारा कर्म कैसे करने के लिए बोल रहे, तस्मा सर्विश काल इसु मामन स्मरण जुदच, तो मेरा को स्मरण करते हुए कर्म करो, मेरा साथ युक्त हो के कर्म करो है? मेरा साथ युक्त हो के कर्म करो, वो युक्ति जाके सदगुरु से जान लो, कैसे तुम मेरा साथ जुड़ पाओगे। कर्म जो जोग सुख सलम, वो प्रोसेस को जान लो जी, कैसे कर्म करते हुए मेरा साथ जो कि चल सकते, क्योंकि मन का काम है जो संकल्प करना आगे का, बुद्धि का काम है विचार करना, इंद्रिय का काम है जो मन बुद्धि बोलते हैं वो करना। तो ये तो सारा जगत के लिए दिया है, लेकिन मन बुद्धि अंदर नहीं जा सकते, अंदर अब परमात्मा से अपने को कैसे जोड़ेंगे। तो वही कबीरदास जी के पास एक लड़का गया और पूछा, कबीरदास जी मैं संत बनू मैं गृहस्थ बनू। कबीरदास जी बोला, बेटा ये तो मेरे को सवाल का जवाब नहीं है, बैठ जाओ देखता हूं। अचानक सुई में धागा लगा रहे कबीरदास जी, सब कुछ कर रहे, अचानक एक धागा टूट गया। कबीरदास जी कपड़ा बुन रहे, एक धागा टूटते ही वो अपना बीवी को आवाज दिया, शांति ये दीवा जला के लाना, ज्योत प्रदीप जला के लाना। अब वो प्रदीप लाया और कबीरदास जी पहले सुई में धागा लगा रहे थे, वो लड़का देख रहे कबीरदास जी के पागल है जी, ये धागा को गांठ बांधने के लिए ये अपना प्रदीप मंगाया, अपना वहां पर जो जला के वो गांठ बांध रहे, और उसको वाइफ भी जानती कि इसको आंख खराब नहीं है, ये साफ दिखाई देते, उसको बीबी भी जैसे बोला वो भी लाके जोत पकड़ लिया। अब उसने लड़का सोचता है दोनों हस्बैंड वाइफ भी बने पागल है, अरे इधर सारी जगत में पुचाड़ रहे कबीरदास तिकाल दर्शी है, और उसका बीबी भी वैसे ही भक्त मनोन है, उसका इस प्रकार बात देख के वो आदमी ने बहुत
मुश्किल में पड़ गया। ये तो पागलखाना में मैं आ गया। वो अपना सोचा कि ये मैं पागलखाना में आ गया। लड़का सोचता है कैसे भागू अब, अब तो कविता जी से फंस गया। आप कविता जी बोला अरे भागने का कोई जरूरत है, बैठो जब आए तो खाना खा के जाओ। अब खाना खाते कबीर दास जी बैठा, वो भी बैठा, दोनों खाने के लिए बैठा। अब बैठने के बाद कबीर दास जी के जो भी खाना बैठा एकदम ठंडा सब खाना। कबीर दास जी अचानक हाथ देखे बोला ओह कितना गर्म है, पंखा ले आओ शांति। वो लड़का दिख रहे भाई वो हंडी से मेरा को भी दिया कबीर दास जी भी दिया, ये तो ठंडा पानी क्या जमा हुआ है। और कबीर दास जी बोले गर्म है, ये पागल खाना में पड़ गया मैं कैसे छुटकारा मिले। इसी प्रकार फिर बोला बेटा यहाँ एक संत रहते पहाड़ में, चल उससे मिलकर आते हैं शायद उसी से जवाब मिल जाए। अब उस लड़का को लेके ऊपर गया। अब वो संत जी ने देखा अरे कविता जी आप दिखा उधर सी, अब मेरा पास क्यों आया। बोले नहीं मेरे को पता नहीं था, वो उसी ने आया। बोला आपको इस संसार में क्या चीज पता नहीं, सब कुछ पता है तो आप मेरा पास क्यों आया। बोला हाँ कविता बाबा जी आपका उम्र कितना है। बोले 90 साल। भाई ये ठीक है हो गया मेरा। अब थोड़ा देर नीचे आके फिर बाबा जी करके बोला, तो फिर बाबा जी आके बोला, बाबा जी आके पूछा बोलिए कविता जी क्या क्या पूछना चाह रहे। बोला आपको उम्र कितना है। 90 साल। फिर चला गया वो लोग नीचे उतार गया, बाबा जी करके चलाया। फिर बाबा जी नीचे आया और नीचे आके फिर वही सवाल किया, बाबा जी आपका उम्र कितना है। 90 साल। बस उत्तर मिल गया। कविता जी बोला उत्तर मिल गया बेटा, सारे उत्तर मिल गया। अगर संत बनना है तो इसका माफी मांगो, किसी परिस्थिति में विरक्ति भाव नहीं है। किसी परिस्थिति में दुख हो कष्ट हो विपत्ति हो आपत्ति हो हर परिस्थिति में हंसते हुए वो उसको स्वीकार कर लेते हैं, वो है संत। वही संसार से बाहर निकाल सकते हैं। और जो हर परिस्थिति में विरक्ति भाव है कष्ट है दुख है ये तकलीफ महसूस करते हैं वो कभी भी वो संत बन नहीं सकते। और संसार में रहना है तो मेरा वाइफ खम अपील हो शांति। जो स्वामी जो बात बोलते हैं वही वो स्वीकार कर लेते हैं, वो जानते हैं जो हमारा वाइफ जानते हैं जो ये हवा किस लिए दे रहे थे। ठंडी खाना पर अहंकार हमारा कुदृष्टि कुभावना उस खाने में ना रहे। हाँ जैसे खाएगा अन्न ऐसे बनेगा मन, तो उसी ने मैं बोलता अहंकार का हवा लगाओ जो अहंकार नहीं रहे, जो मैं कर रहा हूं मैं करके खिला रहा हूं मैं ये कर रहा हूं तो शांति। जानते हैं ये हवा लगाने से वो अहंकार खत्म हो जाते हैं, आहार शुद्ध हो जाते हैं। और इस संसार में कोटि सुर जो भी आत्मा अंदर है उसको साथ आपको जोड़ नहीं सकते, वहां वो लाइट नहीं पहुंच सकते अंदर आत्मा तक, कोटि सूर्य का पुकार वहां नहीं जा सकते। लेकिन कोटि सूर्य से भी अनंत कोटि सूर्य का प्रकाश अंदर है, वो जैसे दीवा जलाने से ज्ञान का दीवा जलाने से वो गांठ परमात्मा से बांध सकते। तो ज्ञान का जो जलाओ कहां अंदर, तो हम उसका जो जलाने की कोशिश करता हूं, जब ज्ञान का जो जल जाते तभी परमात्मा से हमको गांठ बनते। इसीलिए शास्त्र बताते हैं
वेदी सुजति जगे सितपै सिचैव दान सुजत पुण्य फल प्रतिष्ठितम अतोति सर्व मेदम विदिता जोगी स्थान मोपित चंदम। वेद पाठ करके मेरे को नहीं जान सकते, वेद ऋषि जगेशु जो हमें पूजा जो हम लोग करते हैं उससे भी हमको नहीं जान सकते, वो तो कर्म कांड है ये संसार को जानने के लिए, संसार पाने के लिए, लेकिन मेरा को नहीं पा सकते। तपस्या करते हैं तो तपस्या करके भी नहीं मेरे को जान सकते, वो तो सर कुछ भी तपस्या करते हैं कोई संकल्प लेकर करते हैं और संकल्प रहित हमें सर्व संकल्प विवर्जितम सब संकल्प से मुक्त होके जो कर्म करते हैं उसी को मैं मिलता हूं। और तपस्या करते संकल्प करिए जो यही संकल्प और जितना भी पुण्य कर लो, कोई भी गंगा ना हो कितना भी दान पुण्य करो कुछ भी करो वो पुण्य हमको नहीं बोध कर सकते, तो कौन बोध कर सकते। अद्भुत इन सर्वेदम विदिता जोगी स्थान मोपित चंद, जो मेरा से जुड़ लेते हैं वो सारी वेदों का ज्ञान आते वो यज्ञ का फल उसको शक्ति मिलता है, तपस्या का शक्ति मिलता है और दान का पुण्य उसका मापते, तो इसीलिए उसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा से जुड़ने से सब कुछ उसको प्राप्ति हो जाती है, वेद का पूर्ण ज्ञान उसमें आ जाते हैं। वेद ऋषि जगेशु जो हमन करके जो फल प्राप्ति करते हैं वो भी मिल जाते हैं उसको, जो इच्छा चाहे वो मांग लेते हैं और तपस्या का अंदर जो शक्ति है वो भी मिलता है और वही जो पूर्ण करते हैं दान, दान करने से जो पुण्य मिलता है वो भी उसको मिलता है और सब कुछ मिलेगा। अत्युत सर्व वेदम विदिता जोगी सारमोपतिचा दम, जोगी हमको सब कुछ प्राप्त कर लेते। अब यही वेद क्या चीज है, वेद हम लोग का ज्ञान है, जो ज्ञान तुरंत अनुभव कराते हैं वही ज्ञान है। जैसे अब कलर दिखाएंगे तो आंख देख के तुरंत बता देगा ये ब्लैक है ये रेड है ये येलो है, बता देगा तुरंत, कान सुन के बता देगा कौन बुला रहे है बाहर किस लिए बुला रहे है, तुरंत हमको ज्ञान कान बता देते है, नासिका सुगंध दुर्गंध बता देते तुरंत, मैंने एक सेकंड भी बाकी नहीं रहते, जिब्बा खाने का मीठा है क्या करवा है क्या नमक है वो तुरंत बताती है ना? और त्वचा जो है ये ठंडी गर्मी दिखाई नहीं देते, सुख दुख दिखाई नहीं देते, वो ये त्वचा इसको महसूस करती है। तो आप बताइए जो ये भगवान ने पहली तो वेद दे दिया ना? हम लोग के शरीर में वेद बना हुआ है ये यही है, तो ओंकार सर्व वेद, ओंकार सर्व वेद है, इसीलिए ओंकार कहाँ है, सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंच दैवतम, सात लोक व्याप्त है, भू भुव सह मोह जनो तपोश्चित्त, सात लोक व्याप्त है, हम लोग का शरीर का अंदर भी ये सात कोष है जो हम लोग का अंदर जाने के लिए, हम लोग का आनंदमय कोष में जाने के लिए पांच कोष को हमको पार करना पड़ते हैं, अन्नमय कोष मनमय कोष प्राणमय कोष ज्ञानमय और विज्ञानमय, उस विज्ञानमय कोष को पार करने के बाद आनंदमय कोष उसको मिलता है, आनंद से फिर वही तुई तू है, वहां मैं आनंद का बोध कर रहा हूं वो भी खत्म हो जाएगा, सब ही आनंद में है, सब में लाइव हो गया, मैं को खत्म हो जाते तो वो हुए सप्तलोक, तो इस देहों में भी
हम लोग का सब कुछ है, बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, जो अंदर ढूंढता है वो सब कुछ जो प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार हम लोग को बंगाल में भी यही बोला है, राम प्रसाद जी बोला है, डूबते मन काली बोले हिदी रत्ना कर आकाश। हम लोग का यही है, हृदय में डुबकी लगाओ तो रतन वहां ही मिलेगा। है? किसको बोल रहे, डूब दे मन काली बोले, काली राम प्रसाद जी माता का भक्त, वो डूब देने के कहां बोला, अपना हृदय के अंदर डूब लगाओ, वहां डुबकी लगाने से तुमको रतन मिलेगा, जो रतन तुमको सारी दुख को नाश कर देगा और सब सुख शांति आनंद को प्राप्त कराएगा, सब ज्ञानों को प्राप्त कराएगा। तो वो रतन है जो आपको हमेशा के लिए सारी दुखों को नाश करके परम शांति को प्राप्त कराती है। तो यही है जो वेद इस प्रकार है, आप सप्तांग हो गया, चतुष्पादम, वही वेद ओंकार कहां कहां विराजमान है, देव का सारी कोष में विराजमान है, और चतुष्पादम, ये चतुष्पादम माने स्थूल, जैसी स्थूल अवस्था में अभी मैं बोध कर रहा हूं, और इसको बाद हमारा अंदर स्थूल है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, और ये सुषुप्ति है। तो हम लोग का स्थूल अवस्था में क्या देखते हैं, ये देहों को, देहों को बोध होते, और सूक्ष्म अवस्था में मैं इस सपना देखता हूं, और जब सुषुप्ति होता है तो मैं अपना आराम से सो जाता हूं, और तुरियातीत जो मैं खत्म हो जाते, जब देह बोन बोधि कुछ भी महसूस नहीं होते, तो चार अवस्था में ओंकार विराजमान है। तो कहा, हमारा देव का अंदर, हमने जैसे बोला ना, देव का अंदर ही वो वेद है, जो यही तुरंत ज्ञान देते हैं, तुरंत, बाद में नहीं, पढ़ के बाद कितना भी दिन बाद मिलेगा, भगवान के बारे में सुनते रहो कब मिलेगा पता नहीं। अब कितना भी तुम ये सुन लो, तीर्थ घूम लो, कब दिखाई देगा भगवान की ज्ञान कब होगा कुछ भी पता नहीं, लेकिन जब तुम ओंकार का साधना करोगे तब यही तुमको अनुभूति होगा, शांति सुख आनंद का तुमको हर अवस्था में शक्ति महसूस होगा, एक प्रशांति महसूस होगा, एक आनंद महसूस, वो तो कहां हो रहे, आपका अंदर हो रहे, महसूस हो रहे, थोड़ा बहुत कुछ भी हो उसको होता है, लेकिन उसी को बढ़ाओ, उसको बढ़ाना पड़ेगा, बाहर कुछ भी नहीं है, शांति के लिए तुम कितना भी जाएगा घूम के आओ कहीं भी शांति नहीं, शांति अपने अंदर ही है। जब भगवान के साथ अपने को जोड़ देगा तो अपना आप ही सब विकारों को नष्ट करके उसको शांति प्रदान करते हैं। तो भगवान का नाम ही हमारा सारे विकारों को नाश करना है, मन का विकार, बुद्धि का विकार, ये इंद्रिय का विकार से मुक्त होके तभी शांति मिलता है। तो इसी प्रकार हम लोग को क्या बोला, भगवान बुद्ध भी एक दिन वही शांति के लिए ढूंढ रहे, तो उसने देखा जो जंगल से गुजर रहे थे तो प्यास लगा, पानी पीने गया तो देखा कुछ जंतु जानवर गया है, वो पानी गंदा हो गया, अब वो पानी इतना प्यास लगा है, इतना थका हुआ था, वो वहां बैठ गया, बैठने का बात देख रहे हैं, जो पानी धुंधला हुआ था, मिट्टी गंदगी था, वो जितना धीरे 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 मिट्टी नीचे बैठ रहे और पानी साफ होती जा रहा, अब धीरे धीरे इतना नीचे चला गया मिट्टी जो शीशे के माफी ऊपर से नीच तक उसको दिखाई दे रहे, और
वो पानी इतना स्वच्छ हो गया, पी के उसको प्यास बुझ गया। तो भगवान बुद्ध ने सोचा, ये बेकार मैं इधर उधर भटक रहा, इससे अच्छा शांत होकर स्थिर होकर बैठ जाऊं। जब ये मन का विकार, बुद्धि का विकार, इंद्रिय का विकार शांत हो जाएगा, तो अपना अंदर ही वो सब कुछ मिलेगा देखने में, और उसी को पीने से सारी प्यास बुझ जाते हैं। तो इतना बड़ा ज्ञान उसने एक पल का अंदर महसूस किया, एक पल का अंदर महसूस किया, तो वही अपना उपलब्धि में बोला, इधर उधर कहीं भी मत भटको, जो कुछ है तुम्हारा अंदर है, तो मन को स्थिर करके शांत करके अंदर पहुंचाओ, तो तुम्हारा सभी प्राप्ति होगा। तो यही हम लोग का ज्ञान वही है जो अंदर जाने का नहीं। तो तुल्यातीत अवस्था में वही आनंद को प्राप्ति करते हैं जो और कुछ भी दुनिया को महसूस नहीं कर पाते। और तीन काल में अतीत वर्तमान भविष्य, तीनों काल में ओंकार विराजमान है। पंच दैवतम, ये पांच देवता है। पांच देवता में कौन कौन आते हैं? गणेश जी, विष्णु भगवान, सूर्य देव और माता दुर्गा और शंकर जी, ये पंच देवता है। और ये पंच देवता से ये पांच भूत को बनाया, बोम बोम माने आकाश, ये वायु, ये वायु क्या है? माता का सूक्ष्म रूप दिखाई नहीं देते, लेकिन वायु का इतना शक्ति सबको तोड़ के फेंक देते। वायु बिना हम लोग एक सेकंड भी जी नहीं सकते। सूर्यदेव आसमान में सारी दुनिया को रक्षा करे, वनस्पति से लेके सारी दुनिया को पकड़ के रखे। तो हमने साथ साथ भगवान को देखते हैं। और सूर्यदेव आसमान में नहीं रहे तो एक पल का अंदर ये सारी सृष्टि खत्म हो जाएगा। कितना बड़ा शक्ति है हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग अहंकार बस अज्ञान बस नहीं मानता। और भगवान विष्णु जल है, जल है ना, जल जिससे धो लो पवित्र हो जाते हैं। तो भगवान विष्णु का नाम लेने से हर परिस्थिति में वो पवित्र हो जाते हैं। तो इसीलिए वो सबको पवित्र करते और उसको जीने का ताकत देते हैं। पेड़ पौधा मनुष्य पानी पी के वो जीता है। तो पानी बिना ना पेड़ पौधा चल सकते ना हम लोग जी सकते है? तो कितना बड़ा शक्ति है, और वो सबको पवित्र करते। दूसरा बात ये नहीं देखता है, वो कोई जात पात नहीं देखते, ना कोई पापी है कोई पुण्यवान है, ये नहीं देखते। वो सबके लिए पूर्ण रूप से, लेकिन उसको व्यवहार जो करती है, कोई उसको सिर में लगा के पानी पीते हैं और कोई पैर ठोकर मार के वो चला जाते है? तो वही पानी का इस्तेमाल करने का भगवान का ऊपर जो श्रद्धा है, वही उस शक्ति को प्राप्ति करते हैं, उसका जीवन भी पवित्र होता है और सबको प्यास बुझा सकते हैं। जिसका अंदर वो पवित्रता है, वो जगत का सबको प्यास बुझा सकते हैं। इसीलिए साधु संत का हृदय निर्मल पवित्र होता है, इसीलिए वो संसार का सब आदमी को प्यास बुझा सकते हैं। इसी प्रकार आपका मिट्टी है, मिट्टी में गणेश जी है, सब सिद्धि रीति प्रदान करते, जो भी लगा वही फल देगा। मिट्टी में खड़ा होकर आदमी सब काम में सिद्ध प्राप्त करते, बिना खड़ा होकर कोई काम नहीं कर सकते। तो ये आदमी कहां सोचने का समय है, कहां विचार करने का समय है? तो ये वेद है, सप्तांग चतुष्पादम त्रिस्थानम पंचदैवतम,
वेद का अर्थ है तुरंत उसका अनुभूति, वही वेद है। पढ़ पढ़ के वेद पंडित हो सकते हैं, लेकिन जो साधना करके उसको प्राप्ति करते वो सबसे बड़ा फल उसको प्राप्ति होता है, उसका अंदर वो महसूस कर पाती। गुरु जी हम लोग को बोला था, देखो खाने का किताब पढ़ लो, तुम्हारा भूख नहीं मिट सकते ना साथ मिल सकते, कितना भी किताब खाने का नाम तुमको सुना दो क्या भूख मिट सकते ना साथ मिल सकते। होटल में खाना दिखा दिया, देखो भाई ये खाना है, देख के तुम्हारा भूख नहीं मिल सकते ना साथ प्राप्ति कर सकते, तो कैसा होगा? वही खाने से। तो तुम करोगे ओंकार का व्यवहार करोगे तभी तुमको ज्ञान होगा, तुम्हारा हृदय निर्मल पवित्र सच होगा, तुम्हारा हृदय में आनंद का अनुभव होगा, ज्ञान का अनुभव होगा, शक्ति का अनुभव होगा, उस सारा ब्रह्मांड का अनुभूति होगा जो सर्वमुखित ब्रह्म। इसीलिए हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, ये मनुष्य जन्म में हम लोग इस चीज को प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को चाहिए जो भगवान ज्ञान स्वरूप है और वो ज्ञान सबका अंदर है, और ये पाने के लिए हमको सतगुरु के पास जाओ, पहले श्रवण करो, बार बार इस बात को श्रवण करो और निश्चय करो, मनन मनन करने का अर्थ है जो बार बार अपने विचार करो, विचार करके मनन करो कि ये सच है कि झूठ है, इसको पकड़ना है मेरे को, कैसे पकड़ू ये जीवन, हमको संसार में रहो कहीं भी रहो हमको इसको पालन करना है, कैसे पालन करेगा उसको विचार करो और फिर निर्धारित हो अपने उसी में लग जाओ। ये तीनों बात गुरु जी ने बताया, और इसको पाने के लिए हमको बोला गुरु जी ने तीन, सर्व संग विवर्जित, सब संगों को त्याग करो, सात्विक भोजन करो और 3 घंटा निध्यासन करो, 3 घंटा तभी तुमको वहां तक पहुंच सकते हैं। हमने नाम दान ले लिया बस हो गया, मैं यहां से इससे नाम लिया, उससे नाम लिया, उससे नाम लिया, इससे कुछ नहीं होगा। कोई भी सिद्ध महापुरुष वो खाने से सबको पेट नहीं भरते, वो स्वयं बोलते तुम करो तभी तुम्हारा ज्ञान होगा। मैं कितना भी विश्वास दिलाऊं लेकिन विश्वास होगा नहीं, तुमको जब एक बार अनुभूति हो जाएगा तो तुम्हारा अंदर पक्का विश्वास हो जाएगा, ये पक्का विश्वास तुम्हारा अंदर तुम जब करोगे तभी अनुभूति होगा और तभी तुमका अंदर पक्का विश्वास होगा। कच्चा विश्वास कभी भी टूट सकते हैं लेकिन पक्का विश्वास किसी भी परिस्थिति पे नहीं टूटते। इसीलिए हम लोग का इस संसार में आए, हमने सिद्धि साई बाबा भी किया था तो 2 शब्द उसने अपना सिंहासन के बगल में लिखा हुआ है, जो भी सिद्धि जाएगा उसको दिखाई देगा, एक लिखा है श्रद्धा, दूसरा समेडी। श्रद्धा का अर्थ है जो उसको विश्वास करो 100% और उसको उतना ही लगाओ, उसी में लगाओ भी होना चाहिए, ये नहीं विश्वास से, जहां विश्वास है वहां ही प्यार है, जहां विश्वास है वहां ही तुम्हारा लगाव है, और सवेरे इंतजार करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं परसों तुमको मिलेगा ही। तुम ये विश्वास लेके चलो कि मैं जो मार्ग में चल रहा हूं इस रास्ते में परमात्मा मेरे को मिलेगा, मेरे को परम शांति, परम आनंद, परम मुक्ति प्राप्ति होगा, ये बोल के आज यहाँ समाप्त कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बड़े सच्चे दरबार की जय।
बड़े साधन संघ आश्रम की जय, बड़े सदगुरु भगवान की जय, बड़े शंकर भगवान की जय, बड़े माता जगदम्बे की जय, बड़े भक्त बिंदु की जय, बड़े संत बिंदु की जय, बड़े सनातन धर्म की जय, बड़े धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हर हर महादेव। ओम पूर्णमाय पूर्णरूपाय पूर्णानंद पदाजलि संसार सागर त्रत्राय संभवाय नमो नमः।